देवास युवा राजपूताना संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह खटाम्बा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भौरासा समरसी टोंक खुर्द की सड़क की मरम्मत को लेकर नायब तहसीलदार सुनीत पडियार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया भौरासा समरसी टोंक खुर्द रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनाए गए हैं। माँ शक्ति कंस्ट्रक्शन ठेकेदार पोप सिंह पिता राम सिंह निवासी जिरवाई ने रोड बनाया है। रोड को बनाए हुए 2-3 महीने भी नहीं हुए, रोड पर गड्ढे होने लगे, जिसका कारण है कि रोड के बनते समय सही मात्रा में डामर का उपयोग नहीं किया गया। डामर के साथ पॉलिथीन, लकड़ी, चारा आदि भी सड़क के अंदर से निकाल कर भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। रोड की साइड भी नहीं भरी गई है। यात्रियों से भरी बस कुलाला समरसी के बीच हादसे का शिकार हो गई, जिसके कारण यात्रियों को चोटें आई, जिससे कि रहवासियों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हादसे का अंदेशा बढ़ गया है तथा हादसे का अंदेशा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाए, उसका पेमेंट रोका जाए और खराब हुए रोड की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। इस अवसर पर विशेष रूप से राम प्रसाद चौधरी, कालू सिंह दरबार, जय नारायण कामदार, बने सिंह वर्मा के साथ अन्य ग्रामीण जन उपस्थित थे। जिसमें रोड को लेकर दर्शाया गया है, रोड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि गड्ढे पड़ने लग गए हैं। रोड को बने 2 महीने से 3 महीने ही हुए हैं, तो रोड में ना रोड की साइड की पट्टियां भरी है। आज भी रोड की साइड की पट्टी के कारण एक हादसा हुआ है, जिसमें बस पलटी खाते खाते बची है और करीबन 50 से 100 लोगों की जान बची है। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब, माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदार का ठेका निरस्त करके किसी नए ठेकेदार को ठेका दिया जाए और रोड का पुनः निर्माण किया जाए। यहाँ हादसे लगातार होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकार के हादसे रोज हो रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि रोड की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए और ठेकेदार को बदला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह घटाम्बा, युवा राजपूताना संगठन पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ।